छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज उत्तर छत्तीसगढ़ के हसदेव और अन्य जाति समय थोड़ी देर कोरबा जिले के कटघोरा में रुके। इस दौरान पत्रकारों से हुई चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जंगल काटकर आदिवासियों को भाजपा सरकार बेदखल करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि वे हसदेव जा रहे हैं, पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं से भी रूबरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे जंगलों की कटाई कर उद्योगपतियों को देने के लिए आदिवासी लोगों को बेदखल करने का काम कर रही है। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने हैं ये क्रेन टेक। हसदेव अरण्य जा रहे हैं, वहाँ के जाके गांव भी देखेंगे, लोगों से चर्चा भी करेंगे, वहाँ के आदिवासियों से मिलेंगे, प्रभावितों से मिलेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी जंगलों को कटाई कर एक उद्योगपतियों को देने के लिए वहाँ पे हमारे आदिवासी और वहाँ के लोगों को बेदखल करने का काम कर रहे हैं और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, जो आज पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आक्रोश है। इसलिए आज वहाँ जाके हम लोग वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे। टीएस बाबा पहले जा चुके हैं और उन्होंने निवेदन भी किए कि मैं जा चुका हूँ, इसलिए दूसरे को मौका मिलना चाहिए। मेरे उनसे बात हुआ। देखिए, अभी तो पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ में कार्रवाई की है। अगर आगे अच्छे से रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी लोकसभा तक तो मुझे लगता है कोई गुंजाइश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पास कोई मुद्दा है नहीं, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना गरीबी। सिर्फ क्या राम के नाम से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, देश की जनता जान रही है। इसलिए भगवान राम क्या भारतीय जनता पार्टी के सबके नहीं है, आस्था है सबके हैं वो। तो इस तरह से राम के नाम से वोट मांगना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। देखिए, ये तो पार्टी पार्टी का मामला है और जो जो भी अगर ऐसा बयान आया है उनके खिलाफ हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगे हैं।